दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। रजनीकांत का फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में जन्मे रजनी का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। जीजाबाई और रामोजी राव की 4 संतानों में शिवाजी सबसे छोटे थे। उनकी स्कूलिंग बेंगलुरु में हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार ये सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। तब से अब तक ये पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं।